नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, अमेरिका द्वारा वहां काम कर रहे चीन के 5 सरकारी मीडिया से जुड़े पत्रकारों पर रोक लगाए जाने के बाद चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 अमेरिकी समाचार पत्रों के सभी पत्रकारों का मीडिया क्रेडेंशियल रद्द करने का फैसला लिया है। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, चीन के वुहान शहर में करीब 3 महीने पहले कोरोना के मामले सामने आने के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ कि चीन में कोरोना का एक भी घरेलू मामला सामने नहीं आया। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर आज 175 हो गई, जहां आज 24 नए मामले सामने आए हैं। एक और जहां छत्तीसगढ़ में पहले मरीज की पुष्टि हुई है, वहीं लखनऊ में 2 और मरीज पाए गए हैं। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि बी और सी श्रेणी के 50% कर्मचारी रोजाना कार्यालय आएंगे, जबकि बाकी के बचे हुए 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने के निर्देश दिए गए हैं। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वह बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि अभी यातायात साधन शुरू है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोकल ट्रेनें बंद की जाएगी। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, गूगल ने आज बसंत ऋतु का स्वागत करने वाला डूडल बनाया। इस डूडल में एक खरगोश नजर आ रहा है, जो रंग बिरंगे हॉट एयर बैलून में सैर का मजा लेते हुए दिख रहा है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, कोरोना का असर अब एयरलाइंस पर भी साफ दिखने लगा है, क्योंकि बजट एयरलाइन इंडिगो ने आज अपने सभी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की घोषणा की है। इंडिगो के सीईओ रोनो जॉय दत्ता ने सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की घोषणा की है, और वह खुद भी 25% कम वेतन लेने की बात कह रहे हैं। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पवन की याचिका खारिज किए जाने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि आज पवन की दूसरी सुधारात्मक याचिका खारिज हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल निर्भया को इंसाफ मिलेगा। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने स्कूल प्रवक्ता भर्ती की 22 मार्च को ली जाने वाली लिखित परीक्षा रद्द कर दी है। इस संबंध में आयोग के सचिव राखिल काहलो ने बताया कि अगली तारीख जल्द घोषित की जाएगी। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में बजट सत्र को देहरादून में आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आज बैठक में राज्य के कर्मचारियों की सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर की नई व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था को लागू करने पर मोहर लगाई गई। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार कोरोना से निपटने के लिए काफी सजग नजर आ रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने 26 मार्च को एक बैठक बुलाई है, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अगर कोरोना के मद्देनजर 31 मार्च के बाद भी स्कूलों को बंद रखा गया तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, मध्य प्रदेश में जारी सियासी उथल पुथल के बीच सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कोरोना को लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि लगता है योगी सरकार कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि प्रदेश के किसी भी अस्पताल में इसकी जांच की अच्छी व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसे में लोग कोरोना से कैसे मुकाबला करेंगे। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, कोरोना के मामले को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे में अब जहां टिकटों का कैंसिलेशन 0 पर है, वहीं रेलवे का रद्द होना भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल के तहत अब तक 24,34,98,449 रुपए के टिकट कैंसिल हो चुके हैं। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, बजाज ऑटो ने कहा है कि उसके बोर्ड ने कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में राजीव बजाज की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया भर में कोरोना से निपटने में मदद के लिए 10 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया है। फाउंडेशन ने यह भी कहा है कि 10 करोड़ डॉलर के अलावा वाशिंगटन की मदद के लिए वे 50 लाख डॉलर अलग से देंगे। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, एक रिसर्च के मुताबिक वैसे लोग जो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं दूसरों की तुलना में किसी भी सवाल का जवाब देने में अधिक सक्षम होते हैं, इसलिए हमारी कोशिश हमेशा सकारात्मक सोचने की होनी चाहिए। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्क्स स्टोइनिस ने भारतीय क्रिकेटर्स की तारीफ करते हुए कहा है कि जो प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहे हैं वे उनसे ज्यादा टैलेंटेड हैं और भारतीय टीम दुनिया की सबसे टैलेंटेड टीम है। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, फिल्म निर्माता निर्देशक आशुतोष ग्वारीकर की नाटकीय ऐतिहासिक फिल्म पानीपत ने OTT पर रिलीज होने के बाद नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि इस फिल्म ने पहले 4 हफ्ते में नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग फिल्मों में जगह बना लिया है। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी बेल बॉटम में लीड अभिनेत्री के नाम से पर्दा हट चुका है, जहां नई जानकारी के मुताबिक इस फिल्म में अक्षय के साथ अभिनेत्री बानी कपूर नजर आएगी। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।